मौर्य साहब, ये जो आज आपने पोस्टर पर लिखी हुई वर्चुअल रैली की थी, जिसमें इतने सारे लोग आए हुए थे और आप भी मंच पर बिना मास्क के घूम रहे थे, क्या ये चुनाव आयोग के जो नियम है उसकी अवमानना नहीं थी और लोगों को कोरोना के खतरे में डालना नहीं था? हम लोग मास्क पहन के गए थे, ये जरूर है कि जब मंच पर गए तो उसको हमने मास्क नीचे कर लिया था। पहनने के चक्कर में मेरा मास्क गिर गया था, जब गिर गया तो मैंने उसको उठा के लगाया नहीं दोबारा। तो इस तरीके से मनसा ये नहीं थी कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ा जाए। कोरोना प्रोटोकॉल मानने के लिए ही हम मास्क लगा के गए थे। और साथ ही साथ मौर्य जी, मुझे तो आपकी भी चिंता हो रही है। आप देश के इतने बड़े नेता हैं और 60 साल के आसपास आपकी भी उम्र है। आप कह रहे हैं मास्क गिर गया तो मैंने दोबारा उठाया नहीं। सोचिए आपको कुछ हो जाता या अभी हो गया हो, क्या पता कोरोना अंदर घुस गया हो, आपको पता ही नहीं है कितने और लोगों में घुस गया हो। ये सब चिंता की बात है नहीं, ना सर? आपका कहना अपनी जगह सही है, लेकिन गिरा हुआ मास्क भी उठा के लगाना वो भी तो खतरे से खाली नहीं है। नहीं सर, हम तो फोटो देख रहे हैं, उसमें आपने मास्क जो है कान में पहना हुआ है और उसको दाढ़ी के नीचे कर लिया है। अरे आपकी फोटो मास्क में भी आती तो बहुत प्रभावशाली आप दिखते, उसमें चेहरा दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, वो तो मैं कर लिया था, हमको जब मंच पर बोलने जाना था तो उसको मैंने कर लिया था, क्योंकि बोलते वक्त वहाँ भीड़ नहीं रहती, बोलते वक्त मैं अकेला रहता हूँ तो उस समय मास्क को मैं नीचे कर लेता हूँ, प्रायः कर लेता हूँ। पर सर ये सब कोरोना नहीं समझेगा ना सर, चुनाव आयोग ने यही सब तो रोकना था, आपने पहले ही दिन धज्जियां उड़ा दी। नहीं, मैंने पूरी कोशिश की कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए। अच्छा सर, आपने कहा कि हमने लोगों से भी और कार्यकर्ताओं से भी कहा था कि ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो करना है। अब लोग यही तो बोल रहे हैं सर कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो चीजें कंट्रोल में नहीं रहेंगी, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं रहेगा। लोग आज आपको सुन के कहेंगे कि जब आपका कार्यकर्ता आपको नहीं सुन रहा, अखिलेश यादव को नहीं सुन रहा, एक मास्क नहीं पहन रहा, तो वो सरकार आने के बाद क्या करेगा फिर? नहीं, प्रायः देखा जाता है कि ऐसा अमूमन, जैसा कि प्रायः कार्यकर्ता प्रोटोकॉल वो क्या नाम मास्क पहने भी थे, अखिलेश जी पहने थे, मैं स्वयं पहना था, और भी तमाम मंच पर बैठे हुए नेता पहने थे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो मास्क नहीं पहने थे। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए और आगे भी इसका ध्यान रखा जाएगा कि जो कोरोना प्रोटोकॉल के निर्देश हैं उसको पूरा का पालन करना है। और साथ ही साथ निर्वाचन आयोग के निर्देशों को तो हम लोग पहले से ही पालन करते रहे हैं। ये भी बताइए कि आप अब समाजवादी पार्टी में हैं और अभी एक आपका बड़ा इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है जो हफ्ते भर 8 दिन का पुराना है, जिसमें आप जो है वो किसान, तब आप बीजेपी में थे और किसान मोर्चा और अति पिछड़ों को समझाने गए थे कि बीजेपी और योगी सरकार और मोदी सरकार ने कितना उनके लिए काम किया है, और वो वीडियो घूम रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि मैं समझा के आया हूं कि इन लोगों ने बहुत काम किया है। हफ्ते भर में आपने चिट्ठी लिख दी कि ये तो किसान विरोधी, अल्पसंख्यक अति पिछड़ा विरोधी और दलित विरोधी, सबके विरोधी है। ये 7 दिन में कैसे विरोधी हो गई सर? देखिए, हमने जिन इश्यूज को रेज किया है वो आपके चैनल ने भी दिखाया और सभी चैनलों में चला और आम लोगों के सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। कुल मिलाकर के हमने वो इश्यूज रेज किए हैं जो हाँ सरकार ने ठीक संवैधानिक व्यवस्था के विरोध में काम किया। इशू अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के आरक्षण की सुविधा से है। इशू किसानों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में सालों साल खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर करने का है। इशू आज नहीं, मैं मान गया सर, इशू है के नाते मौर्य साहब, मैं मान गया इशू है और ये आप हमारे कार्यक्रम में पहले भी आके हमारे कार्यक्रम में बता गए। मैं तो पूछ रहा हूँ, 7 दिन पहले जो फायदा गिना के आए थे वो फायदे बता दीजिए, क्या गिना कर आए थे उस कार्यक्रम में जब आप बीजेपी में थे? देखिए, आप बीजेपी में रह करके मैं समाजवादी पार्टी की बात तो करूंगा नहीं,
और इसलिए पब्लिक से झूठ बोल के उस समय मैं अपने मंत्रिमंडल के सामूहिक मंत्रित्व की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था, लेकिन जिन तथ्यों को आज मैं उल्लेखित कर रहा हूं इनको मैं कैबिनेट में भी और केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी समय समय पर मैं रखता भी रहा हूं। मेरा प्रश्न ये है, करता रहा हूं। आप कह रहे हैं आप उस दिन सरकार के मनमाने पद के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन सावधान भी करता रहा हूं, तो लोग ये कहेंगे कि उस दिन इसका मतलब आप झूठ बोलकर आए थे कि योगी मोदी ने बड़ा काम किया है अति पिछड़ों के लिए और किसानों के लिए। तो जब आप उस दिन झूठ बोलकर आ सकते हैं तो आज सच बोलने इसकी क्या गारंटी है कि अखिलेश यादव अच्छा ही करेंगे? हो सकता है आज भी झूठ बोल रहे हो। आज तो मैं जो भी बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं रिकॉर्ड में है, वो भी रिकॉर्ड में है सर, वो भी रिकॉर्ड में है सर, और भारतीय संविधान की व्यवस्था के विपरीत है। उसमें भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसा कि आप जानते हैं सब कुछ अच्छा होता किसानों के लिए तो किसान आंदोलन क्यों करता? तो सर आपने तो ट्विटर पर प्रधानमंत्री जी को बधाई दी थी कि आप बहुत खुश हैं कि कानून वापस हो गए, फिर आप अलग से क्यों चले गए? उस दिन तो आप प्रधानमंत्री से खुश थे। प्रधानमंत्री जी ने किसान बिल वापस लिया, इसका मतलब किसानों की मांग जायज थी। लेकिन भाई मैं सरकार में मंत्री हूं तो प्रधानमंत्री की मैं आलोचना तो खुला खुला कर नहीं सकता। आज मैं मंत्री नहीं हूं तो आज मैं मंत्री नहीं हूं इसलिए सामान्य नागरिक की जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता हूं। नहीं नहीं पर सर लोग पूछेंगे ना, तब आप मंत्री थे इसलिए मुंह बंद करके बैठे रहे या झूठ बोलते रहे? आज हो सकता है आप टिकट के लालच में झूठ बोल रहे हो या टिकट के लालच में कूद रहे हो। आपकी ईमानदारी पर लोग शक क्यों ना करें, मुझे इतना बताइए। आप बहुत, मैं ये कह रहा हूं, बहुत रिपोर्टेड चैनल के आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल की जो सामूहिक जिम्मेदारी है उसके निर्वहन करने की मर्यादा को निभाना पड़ता है, एक चीज। दूसरी चीज, मंत्री रहते हमारे लिए उचित प्रेमता हमारा कैबिनेट और राष्ट्रीय नेतृत्व। अब मंत्री नहीं हूं इसलिए अब हमारे लिए उचित प्लेटफॉर्म है उत्तर प्रदेश की जनता और ये चौथा स्तंभ यानी मीडिया। तो अब जहां मंत्री न रहने पर जो हमारा उचित प्लेटफॉर्म है मैं वहां अपनी बात रख रहा हूं और अब मैं मर्यादा में बंधा नहीं हूं। अब तो हम पूरे प्रदेश के हितों की बात खुल के रखेंगे, जो सही है उसकी हम तारीफ करेंगे, लेकिन जो संविधान के व्यवस्था के विपरीत स्वामी प्रसाद मौर्य जी उसका तो खुल्लम खुल्ला मैं तो आपसे कह रहा हूं। मौर्य साहब मैं तो आपको सबसे ईमानदार नेता और सबसे दलितों शोषितों और वंचितों का प्रभावशाली नेता भी मानता हूं, लेकिन मैं वो प्रश्न पूछ रहा हूं जो पब्लिक के मन में और आपको उसके जवाब देने चाहिए ईमानदारी से कि भाई अगर आप उनके लिए इतना ही सोचते थे और पद की मर्यादा के तहत बोल नहीं पा रहे थे तो पद को लात मार देनी थी सर जैसे आज मार के निकल आए, पार्टी को लात मार देनी थी जैसे आज मार कर निकल आए। चुनाव के दो हफ्ते तीन हफ्ते पहले आप आएंगे बाहर वो आ गया, तो लोग आपके ऊपर शक करेंगे। देखिए 5 साल का जनादेश जिसका सम्मान करना हमारा नैतिक धर्म है वो मैंने किया। नए जनादेश की बारी आई तो मैं स्वाभाविक रूप से जो खामियां हम प्रस्तुत करते रहे पहले नहीं सुनी जाती रही उसको हम जनता को सुनाएंगे और आज इसीलिए हम उस बात को जनता को सुना रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। स्वामी प्रसाद मौर्य जी लोग तो ये भी चर्चा कर रहे हैं कि आपको तो मायावती जी ने भी बहुत दिया, आप चुनाव जीते तो भी मंत्री बनाया, आप चुनाव हारे तो भी मंत्री बनाया, आपको नेता विपक्ष भी बनाया और आपने जब उनको छोड़ दिया तो ये 5 साल वाली बीजेपी क्या थी और कल को अखिलेश यादव क्या होंगे? आप पे लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए आप केवल एक तरफा क्यों देखते हैं, ये क्यों नहीं देखते कि बहन मायावती जी मानवर कांशी राम जी के निर्वाण के बाद सीधे मानवर कांशी राम का ही फार्मूला बदल दिया। जो मानवर कांशी राम कहा करते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उनके आंख मूंदते ही बहन मायावती ने दूसरा फार्मूला दे दिया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो
तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवहारिक और वैचारिक कारण होता है कोई अगला कदम उठाने के लिए। स्वाभाविक रूप से बहुजन समाज पार्टी हमारा पसंदीदा पार्टी थी, हमारी आइडियोलॉजी की पार्टी थी। अम्बेडकरवादी मैं हूँ, अम्बेडकर के मिशन पर चलता था, लेकिन जब बहन मायावती जी अम्बेडकर के डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन से हट गई, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन के फार्मूले से हट गई, और साथ ही साथ जिसकी तैयारी वालों के पीछे चलने लगी, तो स्वाभाविक रूप से उस तैयारी वाले में ना हमारा दलित आता है, ना पिछड़ा आता है, ना समाज का। मायावती की ये बातें समझने के लिए यही मतभेद थी चुनाव के पहले, बहन जी से हमारा कोई मतभेद नहीं था। तब आपको चुनाव के पहले ही बातें समझ में आई, शुरू में नहीं? देखिए, जब जनादेश की लेने की बारी होती तभी हम 5 साल के जनादेश को बीच में जनता का अपमान नहीं कर सकते। हम भले मंत्री पद छोड़ नहीं कर सकते सर, रहते क्यों नहीं कर सकते सर? जनता का जनादेश करना चाहिए। और मौर्य साहब, जनादेश क्या होता है कि आप पब्लिक की आवाज बनिए। जब आप आवाज नहीं बन पा रहे हैं तो वहां सत्ता में बैठा रहना जनादेश थोड़ी है। 5 साल तक नहीं, जिस जनता के वोट पर हम आए हैं उस क्षेत्र का विकास भी हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, लोग क्यों यकीन करें आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे? लोग ये क्यों यकीन करें कि आपके कहने पर उनको समाजवादी पार्टी के लिए वोट करना चाहिए? अखिलेश यादव ने मौर्य समाज के लिए क्या किया है, 3 गांव गिना दीजिए। हम करें कोई किसी भी समाज के लिए नहीं किया है। हम संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, सरकार के मनमानापन के खिलाफ, झूठे वादों के खिलाफ, जब इन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, तो अगर ये नारा है तो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के आरक्षण, आप खुद कह रहे हैं तो सर, अभी आपका जवाब है, पाप क्यों कर रहे हैं? मैंने पूछा अखिलेश यादव ने मौर्य समाज के लिए क्या किया, आपने कहा कुछ नहीं किया, लेकिन आप बीजेपी के खिलाफ हैं इसलिए उनके साथ जा रहे हैं। भाई आपका समाज क्यों चला जाए? वो देखेगा अखिलेश यादव ने नहीं किया, नहीं जाएगा। आज तो 10 मार्च 2022 बताएगा कौन कहां जाता है और कौन कहां नहीं जाता। अरे सर, मैं कह रहा हूं मेरा नाम कर लीजिए सर, नहीं करेंगे मौर्य साहब, जिसका निर्णय मौर्य साहब मेरा नाम कर लीजिए सुशांत मौर्य। अब मुझे बताइए कि आप चले गए समाजवादी पार्टी के साथ, जिसके लिए खुद कह रहे हैं कि उसने कुछ नहीं किया मौर्य समाज के लिए, मुझे क्यों समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहिए, बताइए। भाई हम आपको पहले भी कह रहे हैं, हम एक जाति एक व्यक्ति के काम कराने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम तो पूरे दलित और पिछड़ों की लड़ाई लड़ते रहे और उनके हितों के लिए जब जब जहां आवश्यकता होगी हम खड़े दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, ये भी बताइए सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जो है वो आ गए समाजवादी पार्टी के साथ, बेटी आपकी आज भी बीजेपी के साथ है, वोटर कंफ्यूज्ड है किधर जाना है, बीजेपी के साथ जाना है या सपा के साथ जाना है, पिताजी के साथ जाना है, बेटी के साथ जाना है। मतदाता नेता से भी ज्यादा चतुर होता है, और आज मतदान कहाँ करना है वो हमसे भी बेहतर समझता है। इसलिए मतदाता के फिराक में तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है और वही हमको बताता है कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है। अजय, एक आखिरी चीज बता दीजिए सर, और मतदाता भी हमें आगाह भी करता है कि आपको अगला निर्णय लेना है। सर ये बता दीजिए आखिर में जाते जाते कि आप सपा में हैं, बेटी आपकी बीजेपी में है, बेटे आपके किससे चुनाव लड़ेंगे? उनको ऊंचा हार से टिकट मिलेगा सपा का, क्योंकि वहां कहा जा रहा है सपा का एक कैंडिडेट पहले से है मनोज पांडे, आवश्यक नहीं कह रहे मैं ही लड़ूंगा। कोई आवश्यक नहीं कि बेटी बेटा चुनाव लड़े ही, पहले मैं कह रहा हूं कि बेटी बेटा चुनाव लड़े ये आवश्यक नहीं है। हमारे प्रयास जब लाखों लाख का जनाधार पूरे प्रदेश में है, दलितों और पिछड़ों का एक बहुत लंबा चौड़ा जमावड़ा है, तो हम एक बेटी और बेटे के चक्कर में हम छोटी राजनीति करेंगे? जो तो बड़ी राजनीति पहले से करता आ रहा है, बेटी बेटा तो कल आए हैं। हम 1980 से प्रदेश की राजनीति में है। 32 साल का समय बीत गया है, जितनी बच्चों की उम्र नहीं उससे ज्यादा मेरा राजनीतिक कैरियर है। आपने इसलिए
छोड़ दी सर, ये किसान विरोधी पार्टी है जोड़ करके। मौर्य साहब, बीजेपी किसान विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, युवा विरोधी, व्यापारी विरोधी पार्टी आपने छोड़ दी। बेटी को अभी नहीं बोला है छोड़ने के लिए कि वो भी आपकी तरह जनादेश का सम्मान करते हुए लोकसभा चुनाव के पहले छोड़ेंगी? अभी जो भी विधायक छोड़ के आए हैं, हमने इनको भी नहीं कहा छोड़ने के लिए। ओ, जो भी छोड़ रहे हैं स्वतः छोड़ रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज, अभी छोड़ने वालों का अंतिम सूची नहीं है, यह लगातार प्रक्रिया चलती रहेगी। क्योंकि एक दो तीन हो तो उसकी संख्या बताई जाए, कितनी तादाद में लोग। एकाध नाम बता दीजिए आपके चैनल पर, एकाध नाम बता दीजिए, हम ब्रेकिंग चलाएं, एकाध तो बताइए। नहीं, नाम तो बताएंगे तो नहीं अगर नाम बता गए तो मान मनोबल करने वाले वहां पर घेराबंदी कर देंगे, इसलिए मान मनोबल करने का हम मौका नहीं देंगे। अच्छा, लास्ट में जाते जाते एक और चीज बता दीजिए। आपने एक बार कहा था कि लोग जो हैं वो तीन तलाक देकर पत्नी को छोड़ देते हैं, अपनी हवस पूरी कर लेते हैं, इस तरीके का कुछ बयान था। अब आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं, उनका बड़ा वोट बैंक मुसलमान है, आप इस पर कायम हैं, इस बयान पर? देखिए, मैंने तीन तलाक का स्वागत किया था, बस इसके सिवाय और कुछ नहीं किया था। नहीं, बयान तो है सर आपका, यही वाला है। नहीं, हमने स्वागत किया था, कहता रहा हूं। तो आज अब ये समाजवादी पार्टी के मंच पे खड़े होकर बोलेंगे कि तीन तलाक वाली महिलाएं जो हैं वो बीजेपी को वोट कर दें, वो तो मोदी जी ने ही किया। अब भाई देखो, जो सही चीज, हमने तो कहा कि जो सही होगा सही कहेंगे। ठीक है, सामाजिक न्याय के नजरिए से वो अच्छा कदम था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े और अब से मास्क लगा के